So good afternoon to you all. Do you know what we have made? We have made a sound sensor library security system, and one is their example for the judges. सर वो थोड़ी देर के बाद ऐप या फिर आप चुटकी बजाएंगे तो वो फिर ऑन हो जाएगा, फिर कुछ देर के बाद ऑफ हो जाएगा, और उसी का उसमें पूरा गेम एक कैपेसिटर का है जो हमने 100 माइक्रोफैराडे का यूज किया है। लेकिन अगर उसे हम लोग रिप्लेस कर दें, जो कि यहाँ हमने दिया हुआ है 100 नैनोफैराडे से, अगर उसको रिप्लेस कर दें तो वो म्यूजिक बीट सिस्टम हो जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड या फिर यूज किए हैं इस हमारे प्रोजेक्ट में, सो लेट्स बिगिन। हमारा प्रोजेक्ट म्यूजिक रिदम बेस्ड है। कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, फर्स्ट इज ट्रांजिस्टर, सेकंड एलईडी, थर्ड माइक्रोफोन एंड फोर्थ कैपेसिटर, फिफ्थ स्विच, सिक्स रजिस्टर, सेवन बैटरी, ब्रेडबोर्ड एंड वायर्स। सो अब हमारे वर्किंग मॉडल की तरफ, तो हमने क्यों इसे लाइब्रेरी में यूज किया है। म्यूजिक रिदम का यूज हम लोग कई जगह कर सकते हैं, जैसे स्टेजेस पे कुछ परफॉर्मेंस के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए। जैसे स्टेज पे अगर करें तो जैसे गाना चलेगा वैसी बीट पे वो लाइट एमिट करेगी या फिर बंद हो जाएगी। और हम लोग इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, कोलकाता में साइंस सिटी है, वहाँ पे एक फाउंटेन का शो चलता है, वहाँ पे इसी का यूज किया गया है, इसी वायर और माइक्रोफोन सारी चीज़ों का यूज करके उसे बनाया गया है। तो हम लोगों ने इसे एजुकेशनल पर्पज में लाने के लिए हम लोगों ने ट्राई किया है। तो हम लोगों ने इसका यूज म्यूजियम में कर सकते हैं, लाइब्रेरी में कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मॉडल में अपने लाइब्रेरी के लिए दिखाया, बोले जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइब्रेरी का एक शो दिखाया गया है, और यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा माइक फिट कर दिया है, जिस माइक्रोफोन पे अगर हम लोग कॉल या फिर शाउटिंग करेंगे तो ये जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे लाइब्रेरियन बैठ के देख सकता है कि किस रूम से आवाज़ आएगी, जहाँ हम लोगों ने इस एलईडी को सेट किया है वॉल पे, कि लाइब्रेरियन देख सके और पता कर सके कि कहाँ से आवाज़ आ रहा है और देख सके। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फ़ोन अगर रिंग किया तो ये कैसे एमिट करेगा। सर फ़ोन करिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कॉल आने पे ये उसके बाद सिग्नल दे रहा था, यानी बता रहा था कि लाइब्रेरी में आवाज़ हो रहा है। जैसे अगर कोई आवाज़ किया या फिर कुछ भी किया तो ये लाइब्रेरियन को सिंबल कर देगा। हम लोग अपने सर्किट डायग्राम की तरफ चलते हैं, तो पहले बैटरी यानी पावर सप्लाई का यूज किया गया है, उसके बाद माइक्रोफोन को कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है ताकि माइक्रोफोन सिग्नल दे सके कैपेसिटर को कि कितनी एनर्जी रखनी है और आगे प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद रजिस्टर R1, R2, R3 हम लोगों ने यहाँ डिनोट किया है, उसे यूज किया है। R1, R2, R3 यूज करके हम लोगों ने करंट को जितना हद तक रोक सकते हैं उतना रोका गया है। उसके बाद NPN ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है। उसके बाद NPN ट्रांजिस्टर और R3 से ही कनेक्टेड है LED 1, 2, 3। इसके बाद NPN ट्रांजिस्टर एक और यूज किया गया है ताकि दोनों साइड से प्लस माइनस का हम लोग एक कनेक्शन बैठा सकें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग अस पेशेंटफुली। एक्चुअली द प्रेजेंटेशन इज गुड बट द प्रोजेक्ट इज ऑसम, सो आई जस्ट लव द प्रोजेक्ट। But I have to ask one question, for fun part or for, you know, using a DJ light or something, that is okay. Is this really going to help us in some way making us safer or some ways saving the energy or something like that? It is just for the fun, it is good. In DJ light we can put and we can enjoy. Is there some other application for the safety point of view, something like that? Yes sir, jaise agar aap लाइब्रेरी का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे जब यूज किया जाता है तो कैमराज या फिर किसी आप गार्ड को रखेंगे, लेकिन हम उसको चेंज कर रहे हैं। कैमरा गार्ड दोनों को हम इससे चेंज कर सकते हैं। आप उसको हटाइए, सीधा चार लाइब्रेरी, अगर हम लोग बड़ी लाइब्रेरी बनाते हैं तो उसको रखिए, इस कंपोनेंट को पूरे रखिए, और इसका कॉस्ट कम से कम 100 times कम है पूरे। आप एक कैमरा से अगर इसको आप डिफरेंस देखेंगे तो उससे कम है,
और एक सैलरी भी लेगा लाइब्रेरियन जो होगा, अगर चार लाइब्रेरी है तो चार लाइब्रेरियन लेंगे सैलरी, लेकिन इसके लिए आपको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। एक बार कंपोनेंट लिया, और इसको कई बार आप अगर कंपोनेंट खराब भी होता है तो एज अ एलईडी या फिर हम लोग बल्ब जैसे होल्डर से चेंज करते हैं वो कर सकते हैं। ओके, अगेन द प्रॉब्लम इज दैट इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी और समथिंग लाइक दैट, यू नो देयर आर सम नीडेड नॉइज वी यूजुअली डू, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू आस्क अ बॉटल और अ पेन, सो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल इट कैन सरपास इजीली, एंड आफ्टर दैट यू कैन ओनली टेक इट। सपोज अगर हवा भी चली तो जल गया ये, नहीं पंखा चल रहा जल जा रहा है, सभी तो हर समय ही जल रहा है। सर आप माइक पे 50 डेसिबल या फिर एक्चुअली में नॉइज हो तब वो सेंस करेंगे। यस सर, इट विल सेंस। फाइन, एंड इफ यू हैव क्रॉस क्वेश्चन देन आस्क अस। क्वेश्चन इज लाइक वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी, बट द लाइब्रेरी इज द प्लेस वेयर वी गो फॉर द थिंग एंड फॉर द स्टडी, बट देयर इज नो वॉइस नो हाउ टू गिव इट। अगर हम लोग लाइब्रेरी का एग्जांपल लें तो हाँ हम लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे अगर हम लोग 10 लोग को लें तो 3 लोग जरूर अगर फ्रेंड्स मिल गए या फिर कुछ भी तो बातें होंगी, उसी के लिए हम लोग लाइब्रेरियन रखते हैं, लेकिन इसको चेंज करने के लिए हम लोगों ने ये रखा है। इसी को रिप्लेस करें कैमरे से या फिर लाइब्रेरियन से, तो सीधी बात है अगर हम लोग अपनी कंपनी बनाएं तो वो एक जीडीपी या फिर इंडियन इकोनॉमी में एक अपना रोल देगा।